नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजनेस न्यूज़ पर। आज के टॉप 10 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पीएम मोदी ने G20 समिट में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति की जीवंत विरासत के साथ आतिथ्य सत्कार की बात कही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 डिनर का न्योता नहीं भेजा गया है। डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति की ओर से विपक्षी दल के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था। बुल्ढाणा में पुराने मुंबई पुणे नागपुर हाईवे पर सुल्तानपुर के पास एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बुल्ढाणा में बस ड्राइवर को झपकी आ जाने से बस पलट गई। इस हादसे में 7 से 8 यात्री घायल हो गए हैं और 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के वफादारी वाले एक बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने ठाकरे से कहा कि उन्हें हमें वफादारी नहीं सिखाना चाहिए। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यदि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में राज्य और केंद्र की सत्ता में आती है तो वह कोटा पर 50% की सीमा बढ़ाकर मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करेगी। मराठा आरक्षण उपसमिति के पूर्व अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि केंद्र द्वारा संवैधानिक संशोधन के बिना मराठा आरक्षण हासिल नहीं किया जा सकता। ओबीसी आरक्षण को धक्का ना देकर आरक्षण दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम ने एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो भारत के खिलाफ मैच में 100% देंगे। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज के पहले ही दिन इतिहास रच दिया है। फिल्म देश की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है और साथ ही शाहरुख खान के नाम पे रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की जवान के रिलीज होते ही आयुष्मान की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की कमाई में भयंकर गिरावट आई है। फिल्म ने 14वें दिन बहुत कम कलेक्शन किया है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में मेहमानों का आना शुरू हो गया है। आज बाइडेन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। G20 के लिए दिल्ली अभी तक किले में तब्दील हो गई है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।